हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें मोटिवेशन की दो पंक्ति को पहले देखते हैं कि मंजिल से ज़रा कह दो कि मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, कि मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किल ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आप सभी का एसएससी जी के ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं, जो आपके आने वाले अग्रगामी एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस या ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। इस प्रश्न का ऑप्शन है बाबर, समुद्दीन कैमूर, आराम शाह या इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। फ्रेंड्स, आपको जिस प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा समुद्दीन कैमूर। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था समुद्दीन कैमूर था। फ्रेंड्स, इसी के साथ आप ये भी याद रखिएगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। तो गुलाम वंश की जो स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। इसका ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक है और इसका जो मुख्यालय आपका है मुंबई में है, इसको भी साथ में आप याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक। तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर है फिरोज तुगलक ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है 1905, 1909 या 1911 या 1920। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा 1909। तो मार्ले मिंटो जो सुधार बिल है 1909 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन है संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा संसद। तो सांसदों के जो वेतन का निर्णय जो है संसद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका ऑप्शन है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या शनि। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा किस नदी पर स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन है नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या पेन्नार। तो फ्रेंड्स, जो आपको बताना है कि गोवा किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मांडवी। तो गोवा जो है मांडवी नदी के पर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। इसका ऑप्शन है थारू, बुक्सा, खरवार, बनरावत। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा थारू। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है थारू जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है। इसका ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल। तो मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य की नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। इसका ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962 या 16 दिसंबर 1962। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। फ्रेंड्स आपको बताना है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1962। तो फ्रेंड्स देश में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।